ओके, तो व्हाट्स अप पीपल, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज के हमारे वीडियो जैसे आपने टाइटल पे देख लिया है गाइस, आज के हमारी वीडियो हम एक ऐप का रिव्यू करने वाले हैं। सो गाइस, वो एप्लीकेशन इतनी मस्त है, जैसे आप अभी होम स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो, थोड़ी सी एडिटिंग है, लेकिन यार गाइस, ये जो वीडियो एडिट मतलब जिसे शूट हो रही है, एप्लीकेशन से एक शूट हो रही है, और गाइस ये एप्लीकेशन की रेटिंग, और उसी से मैं कह सकता हूँ कि एप्लीकेशन बहुत ही शानदार है। सो गाइस, मैं इसे कम से कम 3 से 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और गाइस आपको, आप में से कुछ बंदे यूट्यूबर होंगे, उनके दिमाग में एक ना एक ख्याल आया होगा कि हम ऐसा क्या करें, और ऐसे कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करें जिससे हम YouTube की वीडियो अच्छे से शूट कर पाए और उसी के साथ व्लॉगिंग वीडियो अच्छे से शूट कर पाए। तो गाइस, ये ऐप तो बहुत अच्छी है, इसका हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। और गाइस, एक बात तो मैं कह दूँ कि इससे क्वालिटी तो बहुत अच्छी रहती है। जैसे आपको पता है, यूट्यूब पर ग्रो होने के लिए ऑडियो चाहिए रहती है, और ऑडियो के लिए हम माइक तो परचेस कर लेते हैं, और लेकिन गाइस हमको क्वालिटी के लिए अच्छे मोबाइल की ज़रूरत होती है। तो गाइस, मोबाइल तो हमारे पास थोड़ा सा कमज़ोर भी हो सकता तो चलेगा, लेकिन ये ऐप सब मोबाइल में सपोर्ट करती है, तो बहुत ही आसान तरीके से अपन इस वीडियो, इस ऐप का रिव्यू करने वाले। लेकिन आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड यार वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन मुझे कमेंट में बता देना कि यार आपने क्या मैंने क्या गलती करी जिसकी वजह से आपने मुझे डिसलाइक कर दिया, और अगली बार मैं वही गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा। सो गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस वो एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ हाईलाइट करके। तो गाइस, वो एप्लीकेशन का नाम है ओपन कैमरा। सो गाइस, आपके पास भी शायद तक हो सकती है, और आप लोग कहोगे कि भाई तूने तो पहले बताया क्यों नहीं, क्योंकि गाइस ये देखो, ये एप्लीकेशन सही साट है, बाकी मैं आपको उसकी बेस्ट सेटिंग बता देता हूँ। तो गाइस, पहले हम उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का देखो, और मैंने अपने कैमरे पर उंगली रख रखी, इसलिए आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पर अपने ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग को देखो, मैं आपको बता देता हूँ सेटिंग का ऑप्शन। तो ये रहा सेटिंग का ऑप्शन। तो गाइस, सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको मैं ऑप्शन बता देता हूँ। तो देखो गाइस, देख सकते हैं, अब मैं आपको मैं बताता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस देखो, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको सिंपली ऊपर, फेस डायरेक्शन। तो गाइस प्लीज़ यार इसको ऑन कर लेना, और उसके बाद मैं आपको अपना टाइमर, मतलब मैंने 5 सेकेंड सेट कर रखा है, तो आप भी आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। तो गाइस, मैं 3 सेकेंड सेट कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं वीडियो सेटिंग, यहाँ लिखा वीडियो सेटिंग। तो गाइस आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि अपने को वीडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो गाइस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना ऊपर, सबसे ऊपर देख सकते हैं ये रही वो, यहाँ पर लिखा वीडियो रेजोल्यूशन, वीडियो रेजोल्यूशन को सबसे हाई कर देना आपको गाइस, सबसे हाई। सो गाइस, आपके इसमें 4K का ऑप्शन आ रहा है, तो यार आप 4K सपोर्टेड मत करना, वरना यार आपकी वीडियो मतलब YouTube पर बहुत ज़्यादा MB में अपलोड होगी, और उसके साथ गाइस मतलब बहुत ज़्यादा MB लेगी, 1 से 2 GB आपके अपलोड होने में ही लग जाएगी। तो गाइस हाईएस्ट इसमें बहुत अच्छा रेजोल्यूशन मिल जाएगा अपने को। सॉरी गाइस, मैं बेक हो गया था। तो गाइस देखो, अपने यहाँ पे हाईएस्ट कर देना, और आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे वीडियो फॉर्मेट। तो गाइस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, और आपको उसको कलर देना डेफलेट, डेफलेट पर क्लिक करके आपको सेव कर देना है। फिर उसके बाद में मैं कोई चीज़ बता देता हूँ आपको, देखो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो बेटर एप्रोच्स। तो गाइस इसको भी आपको कर देना 200 MPPS, देख सकते हैं 200 MPPS पे मैं सेट कर चुका हूँ, देख सकते हैं। और उसके बाद में आपको एक और चीज़ मिलेगी जो बहुत ही मेन रहेगी, FPS, मतलब जो बहुत ज़्यादा अपने काम आती है FPS, वो है वीडियो यहाँ पे फ्रेम रेट FPS मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और गाइस देखो, आपको पता ही है कि हमारे मोबाइल फोन में 30 से ज़्यादा आपको वो नहीं मिलता, मतलब यार 30 से ज़्यादा आपको FPS नहीं मिलता, लेकिन यार ओपन कैमरा में आपको 120 का FPS मिल जाता है। तो गाइस आपको उसको 120p FPS पर सेट कर देना है। फिर गाइस आपको यहाँ पे लिखना, यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा मैक्सिमम डायरेक्शन ऑफ वीडियो, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन 6 मिनट का। तो गाइस आपके इनमें से जो चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कर रखा 6 मिनट का। तो गाइस आप भी ये चूज़ कर सकते हो। और अगर गाइस नीचे देख सकते हैं, ये मेरे 2 चीज़ ओपन है, देख सकते हैं। पहला है यहाँ पे रिस्टार्ट ऑन मैगजीन फाइल साइज़। तो गाइस इसको भी आपको ऑन कर देना है। और गाइस यहाँ पे लिखा रिकॉर्ड ऑडियो। तो गाइस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप ऑडियो किससे रिकॉर्ड करते हो। तो गाइस यार मतलब यहाँ पे, हाँ फिर यहाँ पे इसको भी चालू कर देना है। तो गाइस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे ऑडियो सोर्स। तो गाइस आप माइक से रिकॉर्ड करते होंगे तो आपको यहाँ पे माइक कर देना है, और आप माइक से रिकॉर्ड नहीं करते हो आपको यहाँ पे कर देना है कम, ये ऊपर वाले फर्स्ट वाले पे कर देना है। बस गाइस आपको इतना ही करना है। और गाइस एक और ऑप्शन मिलेगा नीचे, यहाँ पे लिखा यहाँ 4K HD वाला, तो इसको भी ऑन कर देना है। ये 2 नीचे के रहेंगे, इसको भी ऑन कर देना। सो गाइस मैं 100% कह देता हूँ कि आपकी क्वालिटी इससे बहुत ही अच्छी क्वालिटी हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है प्लीज़ एक लाइक कर देना, और गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।